आगे खड़े हो गए। हिम्मत नहीं है अली के शेर की कि ज़ैनब के सामने सर उठा सके। शहजादी की निगाह पड़ी, देखा और एक जुमला कहा था, भैया बात में समझ गई क्यों आए हो, जब भाई ने मना नहीं किया तो ये बहन कौन है तुझे रोकने वाले। लेकिन जुमला सुनोगे, ज़ैनब का जुमला सुनो, अब भैया अब्बास जा तो रहे हो, बस एक जुमला सुनते जाओ। 21वीं रमजान की रात को मेरे बाबा ने अपना जख्मी सर मेरे कंधों पे रखा था और कहा था, ज़ैनब तेरे बाजुओं में रस्सी बांधी जाएगी, तुझे शाम के बाजार में फिराया जाएगा, तुझे दरबार में ले जाया जाएगा। तो मैं सोचा करती कि जिसका अब्बास जैसा जवान भाई हो, किसी की क्या मजाल कि उसके बाजुओं में रस्सी बांध सके। तो बोला सुनो मेरे दोस्तों, खुदा तुम्हें आवाज रखे, भाई का कटा हुआ सर नोके नजा पे है और बहन के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं, गोद में साढ़े 3-4 साल की बच्ची लिपटी हुई है, कुछ बूढ़ी औरतें खड़ी हैं छतों पर और वो काफले पर बीवियों पर अफसोस कर रही हैं। वो जुमले ये हैं कि खुदा मालूम ये किस्मत के बारे हैं कौन जो इस मनहूस बाजार में लाए गए। अब वो जो 2-4 बूढ़ी औरतें हैं उनको नहीं मालूम कि आने वाली बीवियाँ हैं कौन, इसलिए कि चेहरे बीवियों के बालों से छुपे हुए हैं, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं और ज़ैनब की गोद में हुसैन की यतीम बच्ची बैठी हुई है। बच्ची ने देखा कि ये बीवियां बूढ़ी औरतें हम पे अफसोस कर रही हैं, हमदर्दी कर रही हैं, अपना नन्ना सर बदल किया और कहा, फुफी अम्मा मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक घूंट पानी पी लूं। किसी बूढ़ी औरत के कान में बच्ची की आवाज लगी, उसने छत से कोठे से पुकार के कहा कि बीबी मत घबराओ, मैं तुम्हारी बच्ची के लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। उस ज़रीफ़ा ने जामे आम लिया, उसने पानी भरा, नीचे उतर के आई, शहजादी ज़ैनब के पास आई, कहा बीबी अपनी बच्ची को पानी पिला दो, बड़ी प्यासी मालूम लगती है, इस बच्ची को पानी पिला दो और देखो बीबी जब तेरी बच्ची प्यासी बच्ची पानी पी ले तो मेरे पाक नबी की हदीस है कि अगर पानी बाद में पीना, पहले ज़ैनब के लिए बूढ़ी औरत के लिए दुआ